जय श्री कृष्णा एवरीवन, आई एम सुलक्षणा फ्रॉम दिल्ली। बेसिकली मैं सुजानपुर से हूँ और अब मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रह रही हूँ। जुलाई 2017 में मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी अपनी फ्रेंड शशि शर्मा जी के थ्रू, और तब से लेके अब तक मेरे साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, जिनमें से एक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, दिसंबर 2019 में मेरे बेटे की शादी थी, जो कि दिल्ली में ही हुई और रिसेप्शन सुजानपुर में होनी थी। तो इस बात को लेके मैं बहुत टेंशन में चल रही थी कि ये कैसे होगा, शादी दिल्ली में और रिसेप्शन सुजानपुर में, क्योंकि हमारे सुजानपुर वाले घर में कोई नहीं रहता। तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे होगा, हम जहाँ से शादी करके जाएंगे तो वहाँ पर कौन देखेगा। तो मेरी अंदर ही अंदर भगवान से प्रेर चल रही थी कि प्रभु कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि जब हम शादी करके जहाँ से सुजानपुर जाए तो वहाँ पे हमारा घर खुला हो, हमारा कोई स्वागत करने के लिए हो। तो इस तरह से एक महीना पहले जब हम सुजानपुर गए, शादी के कार्ड बांट रहे थे, तो जब हम सांबा में कार्ड देने गए मेरे नंद के पास, तो वहाँ हमने कार्ड दिया, चाय पानी पिया, तो मेरे नंद कहते हैं कि सुलक्षणा मैंने तेरे से एक बात करनी थी। तो मैंने कहा हाँ दीदी कहो। तो वो कहने लगे कि मैं ना शादी में दिल्ली नहीं आ सकूंगी, तो हाँ सुजानपुर में मैं 2 दिन पहले ज़रूर आ जाऊंगी। तो मैं इतनी हर्षित हुई सुनकर कि कैसे जो भगवान है हमारे मन के भाव समझ देते हैं जब हम उनके साथ अंदर से जुड़े होते हैं, क्योंकि मैं भगवान से ही प्रे कर रही थी। मैं ये बात उनसे नहीं कह सकी कि आप शादी में जो है दिल्ली मत आओ, तो मैं प्रभु से ही मेरी प्रेयर चल रही थी। तो प्रभु ने जो है मेरे मन की बात समझी और उन्होंने मेरी नंद को जरिया बनाया। तो ये मेरे लिए साक्षात भगवान के दर्शन थे। और जब मैंने शादी करी, इतनी मतलब कि निश्चिंत होके, मुझे पीछे की कोई भी फिक्र ना रही। और जब हम शादी करके सुजानपुर आए, तो वहाँ हमारा स्वागत करने के लिए सभी गेट पे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था कि साक्षात भगवान जो है हमारा स्वागत कर रहे हैं। जब हमारी अंदर एंट्री हुई तो बहुत ही मैं ब्लेस फील कर रही थी। साक्षात प्रभु दर्शन मुझे लग रहे थे कि भगवान मेरे काम कैसे हो रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चला। और ये सब भगवान की ही कृपा थी। और मैं लास्ट में अपनी नंद का भी थैंक्स करना चाहूँगी और यही कहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि पर। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।